हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, हो के मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज सा निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय सिंह, मैथ्स गुरु उदय सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ATS 10 का पार्ट 1, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। करा ए कॉमा बी कॉमा सी ग्रेटर देन 0, करा ए बी सी जो है वो क्या है, ग्रेटर देन 0 है, एंड ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू कितना दिया गया 1, देन द वैल्यू, इसकी लीस्ट वैल्यू हमको निकालनी है, सबसे छोटा सा छोटा मान निकालना है। अब देखिए, ए बी सी ग्रेटर देन 0 दिए गए हैं, मतलब कि क्या, ए और बी सी के ऐसे मान रखना है, ए बी सी के ऐसे मान रखना है जो क्या हो, 0 से बड़े हो, अर्थात क्या हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, निगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए हमें ना। चलिए, अच्छा, ए बी सी, ए बी सी की अलग अलग वैल्यू का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, जिसमें हमें इन तीनों का जो गुणनफल मिले वो कितना मिल जाए, 1 मिल जाए। जब हमें लीस्ट वैल्यू निकालना है तो ए बी और सी के जो सबसे छोटे मान प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, 1 आएगा। सबसे छोटा मान ऐसा पॉजिटिव मान 1 होगा, जिसके लिए इसकी पूरे की वैल्यू क्या होगी, लीस्ट वैल्यू होगी, सबसे छोटा मान। क्योंकि इसके बाद अगर हम मान लीजिए एक को लें 2, इसको ले लें 1/2 और इसको ले लें 1, है ना, इन तीनों का गुणनफल भी 1 हो जाएगा, तो वैल्यू 1.9 के आसपास आती है। चलेगा, फिलहाल हमें सबसे छोटी वैल्यू के लिए कहा गया है, तो हम ए बी सी के सबसे छोटे धनात्मक मान ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं सभी के, है ना। चलेगा, तो 1 बाई, देखिए ये हो जाएगा 1 बाई ए स्क्वायर बी प्लस सी, यानी कि 1 बाई 1 का स्क्वायर 1, और 1 प्लस 2 ये 2 हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा 1 बाई 2, और ये भी हो जाएगा 1 बाई 2। इट मीन्स कितना हो गया ये, 3 बाई 2। 3 बाई 2 को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5, कितना आ जाएगा, 1.5। तो इसकी जो लीस्ट वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1.5। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर नेचुरल नंबर, कह रहा है ए और बी जो है वो नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्याएं हैं, सच दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज प्राइम नंबर। कह रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। इस तरह से हमें ए और बी क्या लेना है, नेचुरल नंबर लेना है। चलिएगा, एक नेचुरल नंबर अगर हम 3 ले लें, 3 का स्क्वायर, फिर एक नेचुरल नंबर 2 ले लें, 2 का स्क्वायर माइनस का 2, कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 5। अच्छा, 5 क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या, मतलब ये एग्जाम्पल चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब कि ऐसा नंबर लेना है, जैसे कि आप 4 और 3 को ले सकते हैं, 4 ले लीजिए और 3 ले लीजिए, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 3 का 9, 16 में 9 जाएंगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अच्छा, यानी कहने का मतलब ये है कि हम ए और बी ऐसी नेचुरल नंबर लेंगे जिनको के वर्गों को सब्ट्रैक्ट करने पे एक प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो हमने क्या किया, ए की जगह पे 3, बी की जगह पे 2 लिया, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर कितना प्राप्त हुआ हमको, 5 प्राप्त हो गया। अच्छा, हमसे कह रहा है तो a प्लस बी, ए क्या होगा, 1 होगा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर किसके, 5। 5 क्या 3 और 2 को जोड़ने पे आया है कि गुणा करने पे आया है कि घटाने पे आया है, तो हम देख रहे हैं कि 3 प्लस 2 करने पे 5 प्राप्त हुआ था। 3 की जगह पे पुनः a रख दीजिए और b रख दीजिए, क्योंकि a की 3 की जगह पे ही तो हमने a रखा, a की जगह पे तो 3 रखा था, b की जगह पे 2, यानी कि ये किसके बराबर होगा, a प्लस b के बराबर होगा, है ना, a प्लस b के बराबर होगा। चलेगा, नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3, क्रय इकाई के nवें घनमूल होंगे। अब देखिएगा, यहां पे nवें घनमूलों की बात हो रही है। फिलहाल जितने भी घनमूल होते हैं इकाई के, चाहे वो मान लीजिए कि आप ले लीजिए ओमेगा, है ना, इकाई के घनमूल ले लीजिए 1 ओमेगा और कितना, ओमेगा स्क्वायर, यही 3 ले लीजिए आप, तो nवें घनमूल जो भी होंगे ना वो सब क्या होते हैं, 1 ले लीजिए, किसमें होंगे, एपी में ही तो होंगे भाई, इनका रेशियो ही तो बराबर होगा, कॉमन रेशियो क्या होगा, बराबर होगा, जिसका कॉमन रेशियो बराबर होता है वो किसमें होता है, एपी में। जैसे यहां पे देखिएगा 1 बाई ओमेगा, इसका कितना आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बटे ओमेगा, भाई ये क्या है, ओमेगा बाई 1 हो जाएगा, है ना, ओमेगा बाई
वन हो जाएगा, एक मिनट, ओमेगा बाई वन, ओमेगा बाई वन। इसी तरह से देखिएगा यहाँ पे, ये भी कॉमन रेशियो, ये भी कॉमन रेशियो, ये ओमेगा आ जाएगा और ये भी ओमेगा आ जाएगा, दोनों अलग अलग। देखिए दोनों कॉमन रेशियो बराबर हैं, इसका मतलब क्या है कि इकाई के जो एनवे घनमूल होते हैं वो किस में होंगे, जीपी में होंगे, किस में होंगे, जीपी में, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। नेक्स्ट चलेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे फोर, चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में हमसे कह रहा है कि मान लीजिए कि तीन द्विघात समीकरण, अच्छा एक द्विघात समीकरण हमको दिया गया, तीन द्विघात समीकरण, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, एक ये दिया गया है, इसे आप इक्वेशन वन बना दीजिए, इसे आप इक्वेशन टू बना दीजिए और इसे आप इक्वेशन थ्री बना दीजिए। कह रहे यदि तीनों समीकरणों के प्रत्येक युग्म में एक मूल समान हो, हम मान लेते हैं कि जो समान मूल है वो एक्स है ना, समान मूल एक्स है ना, हमने मान लिया। वो कह रहा है कि यदि इन तीनों समीकरणों के प्रत्येक युग्म में, प्रत्येक दो जोड़े में एक मूल कॉमन है, इसमें और इसमें क्या है, एक मूल कॉमन है, इसमें और इसमें एक मूल कॉमन है, इसमें और इसमें एक मूल कॉमन है, कोई बात नहीं, हमने मान लिया कि इन दोनों में, पहले और दूसरे वाले में एक मूल कॉमन है, तो एक काम करते हैं, एक मूल कॉमन है तो एक्स की जगह पे हम रख देते हैं उसे, है ना। हमने क्या किया भाई, हमने एक्स ही रहने दिया उसे और वो एक्स का मान ही हम निकाल लेते हैं, कॉमन वाला मूल मिल जाएगा। क्या करिए, समीकरण एक और समीकरण दो को घटा दीजिए, समीकरण एक और समीकरण दो जब आप घटाएंगे, एक बार आप चाहे तो इसे लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो, ये समीकरण एक है। दूसरा समीकरण दिया गया है हमको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, यहाँ पे सी था। अच्छा अब देखिएगा, यहाँ पे सी है, सी इक्वल टू जीरो, समीकरण दो हो गया। दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू जीरो, ये हो गया समीकरण तीन। अब देखिए समीकरण एक माइनस समीकरण दो कर दिया जाए, समीकरण एक माइनस समीकरण दो, वन माइनस टू, चलिए घटाते हैं। घटाएंगे तो देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और यहाँ पे हम एक्स लेंगे कॉमन, तो ये ए माइनस बी आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए बी सी माइनस सी ए हो जाएगा, सी कॉमन लेंगे तो बी माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू जीरो होगा, और एक्स इंटू ए माइनस बी बराबर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा ऊप उधर जाएगा तो a माइनस बी इंटू सी हो जाएगा, a माइनस बी काट देंगे, x बराबर सी आ जाएगा। अच्छा इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब इक्वेशन थ्री में अगर हम, इक्वेशन टू में अगर इक्वेशन थ्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, इधर जीरो आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो b माइनस सी इक्वल टू आ जाएगा कितना, इधर आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन लेंगे ये और ये बी माइनस सी, ये आ जाएगा, इस तरह से काट देंगे, एक्स बराबर ए आ जाएगा। अच्छा ये दूसरी और तीसरी का कॉमन रूट आ गया एक्स इजगोल टू ए, तीसरी पहली और तीसरी का करेंगे तो वो आ जाएगा एक्स इजगोल टू बी, है ना, हम जब उसको हल करेंगे तो एक्स इजगोल टू बी आ जाएगा। फिर हमसे क्या कह रहा है, इन समान मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो इन सभी समान मूलों का जो योगफल होगा, समान मूलों का योग कितना हो जाएगा, एक्स ए पहले आया मान लो, फिर बी आया, फिर सी आया, देखो यहाँ पे पहले क्या आया, सी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फोर का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, देखिएगा क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू वन, कह रहा है जो एक्स का मान है वो डज नॉट इक्वल टू वन है, इज एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर, कह रहा है कि x इज एनी रियल नंबर डज नॉट इक्वल टू वन, x का जो मान है डज नॉट इक्वल टू वन नहीं है, है ना, तो हमसे कह रहा है देन क्या होगा इस कंडीशन में, देखा जाए भाई समझते हैं क्या लिखा है इन्होंने, ये लिखा है x क्यूब धन वन इज ग्रेटर देन है कितना, x स्क्वायर प्लस x, फॉर्मूला ओपन किया जाए x क्यूब धन वन का क्यूब, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन, एक्स यहाँ पे कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस वन बचेगा। चलिए अब इसको उठा के इधर ले आइए, इधर लाएंगे उठा के तो एक्स प्लस वन दोनों में कॉमन आ जाएगा, एक्स प्लस वन आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ कितना बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस वन और माइनस का एक्स इज ग्रेटर देन वन,
नहीं नहीं ग्रेटर देन जीरो, पूरा टर्म इधर आ गया ना उठ के, एक्स प्लस वन कॉमन ले लिया। अच्छा अब देखिए दोनों फैक्टर जीरो के बराबर हो जाएंगे, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन है ना, जीरो नहीं रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रखेंगे, है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा भैया, ग्रेटर देन जीरो मतलब कि क्या होगा, एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, जो एक्स का मान है वो क्या होगा माइनस वन से बड़ा होगा। यहाँ पे तो एक्स इज लेस देन माइनस वन है, मतलब ये नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे आ जाओ, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो माइनस का एक्स है, माइनस एक्स है दो बार है ना, तो माइनस का टू एक्स हो जाएगा प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, और ये आ जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, फिर क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो, फिर आ जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन वन, एक्स का मान क्या होना चाहिए ग्रेटर देन वन होना चाहिए, या फिर एक्स का मान क्या हो, एक्स का मान ग्रेटर देन वन हो, फिर या एक्स का मान ग्रेटर देन माइनस वन हो, है ना। यहाँ पे एक्स का मान लेस देन वन है, ये भी नहीं होगा, इनइक्वालिटी डज नॉट होल्ड, होल्ड हो रही है कोई दिक्कत ही नहीं है, बी वाला ऑप्शन आ रहा है ना। ठीक है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पांच में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर छह देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सिक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में कह रहा है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एटीन एक्स माइनस थर्टी फाइव इज इक्वल टू जीरो आर ऑल रियल। देखिएगा यहां पे क्यूब रूट दिया गया है हमको, है ना, क्या दिया गया है, एक क्यूबिक इक्वेशन दी गई है, क्यूबिक इक्वेशन दी गई है, क्या है एक्स क्यूब माइनस का अट्ठारह एक्स माइनस पैंतीस बराबर में जीरो। अब देखिए, हाँ अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का प्रयोग करके इसका एक फैक्टर निकाल लेना है। अगर हम x की जगह पे 1, 2 रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 8 से ज़्यादा नहीं होगा, नेगेटिव टर्म ज़्यादा बढ़ा रहेंगे। 3 27 मैक्सिमम पहुँचेगा, नेगेटिव टर्म जब भी ज़्यादा रहेंगे। 4 करेंगे तो 64 आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव टर्म्स का सम तब भी ज़्यादा होगा। हम x इज इक्वल टू 5 रख के देख लेते हैं, है ना, क्या करें x इज इक्वल टू यहाँ पे हम 5 रख दें, पुट करिए भाई x इज इक्वल टू 5 कितना आ जाएगा, ये 125 माइनस 18 पंचे 90 माइनस 35 इक्वल टू जीरो आ जाएगा। देखिएगा 125 ये है, 125 ये भी हो जाएगा, जीरो आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू 5 इसका, x इक्वल टू 5 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, इट मींस x माइनस 5 इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, है ना, इसका एक गुणनखंड हो जाएगा, एक फैक्टर इसका हो जाएगा, यानी कि x क्यूब माइनस का 18x माइनस का 35 इक्वल टू जीरो। फिर क्या करेंगे हम, x माइनस 5 से भाग दे देंगे तो हमें इसका फैक्टर प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो एक फैक्टर तो ऑलरेडी इसका कितना आ जाएगा, एक फैक्टर इसका आ जाएगा x माइनस 5, और दूसरा फैक्टर आएगा जब हम x माइनस 5 से भाग देंगे इसे, दूसरा फैक्टर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। ठीक है, इक्वल टू जीरो है, रहने दीजिए, इक्वल टू जीरो कर दीजिए। पहले फैक्टर को भाई x माइनस 5 को इक्वल के जीरो करोगे, x इक्वल टू 5 आ जाएगा, और दूसरा क्या है x इक्वल टू 5x प्लस 7 इक्वल टू जीरो। कॉस क्या करेंगे हम, इसको निकालेंगे हम लोग सीधी धराचार से, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस का 4ac 28 आ जाएगा ये, और माइनस का अंदर बचेगा ना 27 28, तो ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 5 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3 बट्टा 2। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास दो एक आ गया रियल रूट और दो इमेजिनरी रूट हो गए, है ना। देखिए यहाँ पे दो रूट है, प्लस माइनस लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा 1 रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स, है ना। ठीक है चलिएगा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये बात 7 में हमसे कह रहा है कि f ऑफ x इज इक्वल टू इतना दिया गया है। अच्छा दोनों चीजें दी गई हैं, यहां पे देखते हैं, ये दिया है इसने कि f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 4x माइनस 1, और हमें निकालना है f ऑफ x। चलिएगा हम क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं f ऑफ कितना हो जाएगा,
एफ एक्स रख दिया जाए 4x माइनस 1। अब देखिएगा एफ आप 4x माइनस 1 मतलब जहां पे x की जगह पे हमें क्या रखना है 4x माइनस 1, तो जहां पे x है वहां पे क्या रख दीजिए, जहां पे x है वहां पे रख दीजिए 4x माइनस 1, तो आ जाएगा 4 इंटू में 4x माइनस 1, माइनस 1 ऑलरेडी है वहां पे, तो कितना आ जाएगा ये 16x माइनस का 4 माइनस का 1, ये हो जाएगा 16x माइनस का 5। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, f ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा 16x माइनस 5। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इन जीपी, कह रहा है कि इस समीकरण के जो रूट्स हैं वो जीपी में हैं। अच्छा अब एक काम करिए, यहां पे छोटा सा आप जीपी में इसके रूट सेलेक्ट कर लीजिए, एक इसका रूट अल्फा मानिए आप 1, एक रूट बीटा ले लीजिए 2, और तीसरा रूट इसका गामा ले लीजिए 4, है ना। जीपी में हमने 3 रूट लेट कर लिए हैं, अब क्या करेंगे हम, ये रूट इसी के हैं चूंकि, तो इसके बराबर इक्वेशन बना देते हैं, इसके बराबरी होगी वो क्यूबिक इक्वेशन एक्स क्यूब धन 3a एक्स स्क्वायर धन 3b एक्स धन c इक्वल टू, ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में x माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 2, तीसरे ब्रैकेट में x माइनस 4। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे एक तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस का 1 और ये माइनस का 2 मिला के माइनस के 3x हो जाएंगे, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 2, में मल्टीप्लाई करना है x माइनस 4 से, करते हैं मल्टीप्लाई x माइनस 4 से। चलिए यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा x क्यूब माइनस का आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस का आ जाएगा 2x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस का 8। ऐड करेंगे इनको हम तो ऐड करने पे आएगा एक तो आ जाएगा x क्यूब माइनस 4 3 7x स्क्वायर और धन हो जाएंगे ये 14x माइनस के 8 किसके बराबर हैं x क्यूब धन 3x स्क्वायर 3bx है ना, ये हो जाएगा 3bx 3ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस c, करते हैं दोनों तरफ कंपेयर कर लिया जाए, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो यहां से आ जाएगा 3a बराबर माइनस का 7 यानी कि a बराबर माइनस 7/3 और 3b बराबर आ जाएगा 14 यानी कि b बराबर आ जाएगा 14/3 और यहां से c बराबर देखेंगे तो माइनस का आएगा 8। a b c की वैल्यू आ चुकी है, अब a b c की ये वैल्यू हमें क्या करना है सेटिस्फाइड करवा देना है, जिस ऑप्शन में सेटिस्फाइड कर जाएंगी वही सही होगा, करते हैं और रखना शुरू करते हैं। चलिए भाई पहले ऑप्शन के पास आओ, पहला ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए कह रहा है, क्या है ऑप्शन नंबर ए कह रहा है बी बराबर यानी कि 14/3 बराबर है ए क्यूब का मतलब माइनस आ जाएगा और 7 × 7 × 7/3 × 3 × 3 और गुणे में सी, सी का मान है माइनस का 8, तो ये दोनों तो कभी बराबर होंगे नहीं, 14/3 कोई कटना है नहीं, है ना, मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर बी ट्राई किया जाए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, बी क्यूब बराबर में ए क्यूब सी, अच्छा बी क्यूब देख लेते हैं कितना हो जाएगा 14/3 × 14/3 × 14/3 बराबर ए क्यूब, ए का वैल्यू है हमारे पास माइनस तो आ ही जाएगा 7 × 7 × 7/3 × 3 × 3 ठीक है, यहाँ नीचे का तो मिल रहा है, ऊपर देखो गुड़े माइनस का 8 है, माइनस माइनस 8 जो है इसको प्लस कर देगा और 8 को 1 2 इसको दे देंगे 14 बन जाएगा, 1 2 इसको देंगे 14 बन जाएगा, 1 2 इसको देंगे 14 बन जाएगा, यानी कि बी वाला जो ऑप्शन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, 8 में बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में बी क्यूब बराबर क्या होगा ए क्यूब सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9
क्राई इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज इक्वल टू। अच्छा कह रहा है कि बिगनिंग और स्टार्टिंग से और अंत से पदों का योग क्या होगा, है ना। अब देखिएगा भाई, हमें पता है अगर हम प्रारंभ से कोई पद निकालते हैं तो प्रारंभ से जो पद होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। और अगर हम मान लीजिए कि ये प्रारंभ से एनवा पद है, ठीक है, ये प्रारंभ से एनवा पद है, और अगर हम अंत से एनवा पद निकालें, है ना, अंत से एनवा पद देखिएगा यहां पे, अगर हम अंत से एनवा पद निकालते हैं, अंत से एनवा पद, तो वो हो जाएगा कितना, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। करा दोनों का सम निकाल दो, दोनों का योग निकाल दो, दोनों का योग निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो एन माइनस वन इंटू डी प्लस का है, एन माइनस वन इंटू डी माइनस का, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ए प्लस एल मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, मतलब कि ये जो सम होगा किसके बराबर होगा, सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। तो क्वेश्चन नंबर 9 में डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन अ एपी, कह रहा है एक एपी में, है ना, समझिएगा, एक एपी में पीएथ टर्म जो है वो क्या है, क्यू है, और क्यूएथ टर्म क्या है, पी है। अब देखिएगा, कहने का मतलब ये कि टीपी इज इक्वल टू क्यू है और टी क्यू इज इक्वल टू क्या है, पी है। तो एक काम करते हैं हम, तो हमसे पूछ रहा है देन द टर्म्स विल बी जीरो, कौन सा कह रहा है, जीरो होगा। हम मान लेंगे कि टी एन जो होगा, है ना, जो एनवा पद होगा वो जीरो होगा, हम मान लेते हैं कि जो एनवा पद है वो क्या है, जीरो है। एक काम करते हैं, अब एक काम करो, माना है हमने ये ना, माना कि टी एन पद जो है वो जीरो है, ठीक है भाई, टी एन एन का मान ही निकालना है हमको। एक काम करो, यहां पे आप लेट करो, देखो पी और क्यू, पी बराबर कितना मान लो, पी बराबर दो मान लो, और क्यू बराबर कितना मान लो, तीन मान लो। तो क्या पाए रखा है, क्या रहा है, टी टू, यानी कि कहने का मतलब ये कि अब हो गया टी टू बराबर तीन और टी थ्री बराबर टू। टी टू का मतलब क्या हुआ, ए प्लस डी बराबर तीन, और टी थ्री का मतलब क्या हुआ, टी थ्री का मतलब हो गया कि ए प्लस टू डी बराबर दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 कैंसिल हो गया, माइनस का डी इज इक्वल टू वन, यानी कि डी इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन। अच्छा डी का मान माइनस वन आ गया, तो अब ए का मान कितना आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा, तीन प्लस एक, यानी कि ए बराबर आ जाएगा चार, है ना, डी बराबर माइनस वन, ए बराबर कितना आ गया, चार आ गया। हमें क्या चाहिए, एनवा पद हमने माना है कि वो शून्य है, है ना, ए और डी के दोनों मान आ चुके हैं हमारे पास, चलते हैं। तो टी एन बराबर जीरो है, इसका मतलब ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू जीरो हो गया। ए का वैल्यू रखेंगे तो चार है, माइनस का हो जाएगा वन, रखेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस का एन प्लस का वन इक्वल टू जीरो, यानी कि एन बराबर कितना आ जाएगा, पांच। एन बराबर पांच कहां से आया, देखो पी और क्यू को जोड़ने पे ही तो आया है, पी और क्यू को जोड़ने पे ही तो पांच आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसे हम लिख सकते हैं तीन प्लस दो, यानी कि इसे लिखा जा सकता है पी प्लस क्यू, दो प्लस तीन यानी कि पी प्लस क्यू वा पद, कौन सा पद, पी प्लस क्यू वा पद हो जाएगा, है ना, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां पे डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो कौन सा पद जीरो होगा, पी प्लस क्यू वा पद होगा जीरो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ए बी सी, ए और कौन है, फोर है और कौन है, बी डॉट डॉट इन एपी, ये एपी में है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बीच वाले पद का दो गुना और दोनों पदों के सम के बराबर होता है, यानी कि ए प्लस बी बराबर आठ, ए प्लस बी बराबर आठ। इसके बाद ए टू कॉमा बी डॉट डॉट होगा, ये हो जाएगा हमारा जीपी में, है ना, जीपी में है। अच्छा ये जीपी में दिया गया, तो इसका वर्ग ए बी बराबर कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा,
समीकरण हो जाएगा हमारा ये कौन सा, दूसरा। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ए प्लस बी बराबर आठ लिख लेते हैं। ये आ गया ए प्लस बी बराबर आठ। एक काम करते हैं, इक्वेशन दो में इक्वेशन वन से भाग दे देते हैं, क्योंकि हमसे वन और ए वन और बी के बीच में रिश्ता पूछा गया है, तो हम ए और बी के बीच में पहले रिश्ता निकालते हैं फिर बताते हैं। देखिएगा यहाँ पे ये आ जाएगा ए बी बटा ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, और चार बटा आठ, चार एक नम चार, चार दुनिया आठ। इस दो को यहाँ अगर रख दिया जाए तो दो ए बी बराबर कितना, ए प्लस बी। देखिएगा ए प्लस बी और यहाँ पे क्या वन, तो कहने का मतलब ये है कि ए वन और बी अगर हमारे पास, ये हम देख रहे हैं कि ये क्या है, हार्मोनिक मीन है, ये क्या है, हरात्मक माध्य है, किसका, इस बीच वाले पद का, है ना। मतलब क्या है भाई, अगर हमें ए बी का हरात्मक माध्य निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, टू ए बी बटे ए प्लस बी, और हरात्मक माध्य ये बीच वाला पद होता है, ये वन आ गया, यानी कि टू ए बी बटा ए प्लस बी बराबर वन आ रहा है। मतलब क्या है, ए वन और बी एचपी में है, है ना, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, हरात्मक श्रेणी में है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, कह द फॉलोइंग कंजेक्टिव टर्म्स, कह रहा है कि ये जो क्रमागत टर्म्स दिए गए हैं वो किस में है, एपी में, जीपी में कि एचपी में, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, हाँ। अब देखिए हम एक काम कर रहे हैं, यहां पे ये पद दिए गए हैं दोनों, देखिए हम पहले एपी चेक कर ले रहे हैं, है ना। ये कितना दिया गया है, वन अपान वन प्लस रूट एक्स, अच्छा, प्लस दूसरा वाला पद निकालो, लास्ट वाला पद ए और बी, भाई इन दोनों का सम अगर इस वाले पद के दोगुने के बराबर आ जाएगा तो एपी में होंगे, नहीं फिर क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे, शायद बी जीपी इस वाले पद का वर्ग आ जाए, देखेंगे। पहले हम एपी के लिए चेक कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा वन माइनस का रूट एक्स, और ये कितना आ जाएगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि अगर हम एलसीएम लेंगे वन प्लस रूट एक्स, दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस रूट एक्स, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि वन माइनस एक्स बन जाएगा, और ऊपर जुड़ेगा ये वन माइनस रूट एक्स प्लस वन प्लस रूट एक्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा टू बटा वन माइनस एक्स। टू बटा वन माइनस एक्स का मतलब क्या है, ये बीच वाले टर्म का दो गुना, है ना। अब आपको पता है ए बी सी अगर एपी में होते हैं तो टू बी बराबर क्या होता है, ए प्लस सी, और वो यहां पे हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर बीच वाले पद का दोगुना आ रहा है, बीच वाले पद का दोगुना दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये एपी में है, है ना, एपी में है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद 13 की तरफ, है ना। चलिए एक सुपरफास्ट गाड़ी की चाल एक्सप्रेस गाड़ी से 15 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा अधिक है। अच्छा, एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो सुपर फास्ट गाड़ी है उसकी चाल जो है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, जो एक्सप्रेस गाड़ी है हमारी, है ना, एक्सप्रेस गाड़ी की मान लेते हैं भाई, इससे क्या है 15 ज्यादा है वो। अच्छा, ये हो जाएगी, अगर हम इसकी x माने तो x प्लस 15 कर लेते हैं, एक मिनट, वही बात है, चाहे तो घटा के मान लो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। आप समझिए भाई, हमने क्या किया, यहां पे सुपर फास्ट गाड़ी तेज चलेगी तो हम एक्सप्रेस वाले की मान ले रहे हैं, एक्स प्लस 15 मान लिए, तो एक्सप्रेस वाले की तो एक्स मानेंगे ना, एक्स मानेंगे तो ये उससे 15 ज्यादा हो जाएगी, तो ये आ जाएगी एक्स प्लस 15, ठीक है, एक्सप्रेस हो गई। अच्छा, अब हमसे कह क्या रहा है, एक घंटा पहले पहुंच जाती है ना, दूरी कितनी है, एक किलोमीटर दोनों के बीच की, दोनों बीच की दूरी जो है वो 180 किलोमीटर है। 180 किलोमीटर दूरी को तय करने में पहले इसका देखिए चाल हम माने हैं कि ये इतनी किलोमीटर प्रति घंटा है और ये इतनी किलोमीटर प्रति घंटा है, समय बराबर होता दूरी बटे चाल। तो पहले देखते हैं जो भाई, अब बताओ किसको समय ज्यादा लगेगा, जो धीरे चल रही है, धीरे चाल किसकी है, इसकी, तो ये दूरी 180 है और ये चाल है, तो 180 बटे एक्स, ये हो गया समय किसको लगा, ये लगा एक्सप्रेस गाड़ी को। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला भी 180 किलोमीटर चलता है, चाल कितनी है इसकी, एक्स प्लस 15, ये हमारी सुपर फास्ट गाड़ी को लगा समय हो गया।
दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे दोनों को जो बीच का अंतर है वो कितना आ रहा है, वन। अंतर का मतलब क्या है, ये ज्यादा टाइम ले रही है कम टाइम ले रही है, तो जो ज्यादा टाइम ले रही है उसमें कम टाइम को घटा दीजिए, दोनों समय है अब, है ना। अब एक काम करेंगे 180 ले लेंगे कॉमन, 180 कॉमन लेंगे तो देखिए नीचे एलसीएम में आएगा एक्स इंटू एक्स प्लस 15 और ये कितना हो जाएगा एक्स प्लस 15 माइनस का एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स से एक्स कट गया, फिर ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 15x, 180 और 15 का गुणा करेंगे 2700 हो जाएगा, माइनस का 2700 इधर आ जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस इसके गुणनखंड हो जाएंगे 60x माइनस का 45x माइनस 2700, ठीक है, इक्वल टू कितना हमारा 0। कॉमन लेंगे यहाँ पे तो एक मान आ जाएगा x बराबर माइनस का 60 और दूसरा मान आ जाएगा x इज इक्वल टू 45। अब हमसे सुपर फास्ट की पूछा है तो सुपर फास्ट की कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 है यानी कि 45 प्लस 15, ये 45 आया, 45 प्लस 15 यानी कि ये आ गया हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 13 का सी वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, देखते हैं। 14 में कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर के पत्थर को, एक मतलब हमारे पास पत्थर है तो किलोमीटर पत्थर गड़ा होता है ना रेलवे लाइन के किनारे, उसकी बात हो रहा है। कह रहा है एक पत्थर को यानी कि एक खंभा है कुल मिला के या एक वो पत्थर गड़ा हुआ है किलोमीटर पत्थर जो होता है उसको 30 सेकंड में पार कर जाती है ना, मतलब हम पहली जो हमारी रेलगाड़ी है फर्स्ट रेलगाड़ी की हम चाल निकाल रहे हैं, चाल बराबर कितना होता है दूरी बटे समय, तो 150 बटे समय कितना लग रहा है 330 सेकंड, है ना, मीटर प्रति सेकंड है, काट दीजिए ये आ जाएगा फर्स्ट रेलगाड़ी की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, और सेकंड रेलगाड़ी की जो आप चाल है ना उसे लेट कर लीजिए, वो भी हमने लेट किया मीटर प्रति सेकंड में। अच्छा, कह रहा है और कह रहा है जो ये पहली रेलगाड़ी है विपरीत दिशा से आने वाली उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 10 सेकंड से गुजरती है, अब हमें क्या करना है इनकी रियल स्पीड निकालनी है, इनकी सापेक्षिक चाल निकालनी है ना, सापेक्षिक चाल निकालनी है। अब देखिएगा यहां पे जो इनकी सापेक्षिक चाल होगी वो कितनी हो जाएगी, भाई अगर एक ही दिशा में जाती हैं तो दोनों की चालें घटती हैं और अगर दोनों अलग अलग दिशा में जाती हैं तो दोनों की चालें जुड़ जाती हैं, तो x थी और ये 5 थी यानी कि अब चाल कितनी हो गई, इनकी सापेक्षिक चाल कितनी हो गई x मीटर प्रति सेकंड, है ना, x मीटर प्रति सेकंड, चलिए x मीटर प्रति सेकंड हो गई इनकी अब वास्तविक चाल। कह रहा है कि उतनी ही लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी मतलब 150 मीटर तो वो है और 150 मीटर लंबाई की और एक दूसरी गाड़ी को वो क्रॉस करती है कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। अब समय, अब देखिए हमारे पास दूरी कितनी हो गई, 150 मीटर ये है, 150 मीटर अपनी उतनी ही लंबाई की है दूसरी वाली, दोनों को मिला के कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल चाल, तो वास्तविक चाल हमें पता है 10 सेकंड लग रहा है, कुल दूरी कितनी हो जाएगी भैया 150 ये 150 ये बटे दूरी बटे चाल, चाल कितनी है इस समय, वास्तविक सापेक्षिक चाल कितनी है x प्लस 5, कितना हो जाएगा भाई ये देखो ऊपर हो जाएगा 300 यानी कि ऊपर हुआ 300 यानी कि 10 बराबर आ जाएगा 300 बटे x प्लस 5, इससे इसे काट देंगे ये आ जाएगा x प्लस 5 बराबर 30 यानी कि x बराबर आ जाएगा 25 किलोमीटर प्रति 25 मीटर प्रति आया है अभी ये 25 जो आया है ना मीटर प्रति सेकंड में है ना हमारा सब कुछ अभी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसको आंसर जो आ रहा है वो किलोमीटर में आ रहा है, तो एक काम करते हैं इसको हमें 18/5 से गुणा करना है, कर दीजिए गुणा 18/5 ये आ गया 5, 18 × 5 18 × 5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल कितनी हो गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि 14 में सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। कह रहा है कि एक व्यक्ति कोई कार्य 10 दिनों में पूरा करता है, एक व्यक्ति है जो कोई कार्य है वो कितने दिनों में करता है,
दस दिन में करता है ना, दस दिन लगते हैं उसको, दस डेज। अच्छा, तथा एक बच्चे की मदद से छः दिनों में पूरा करता है। मतलब अगर हम बच्चे को बी मान लें तो ये दोनों मिलके उस काम को छः दिन में पूरा करते हैं, है ना, छः दिन में पूरा कर देते हैं इस कार्य को। अच्छा, अब देखिएगा, बन गया ये छः दिन। अच्छा, कुल मिला के ना अब हमारे पास अगर हम इन दोनों का ले लें एलसीएम, छः और दस का अगर हम लें एलसीएम, दो से काटें तीन आएगा, दो पंचे दस, तीन हो जाएगा और ये पाँच हो जाएगा, है ना, पाँच तीन पंद्रह दूनी तीस आ जाएगा, ये तीस आ गया। अच्छा, अब इनकी क्षमता निकालो, दस से भाग दोगे तीन आएगी और इसका भाग दोगे तो पाँच आ जाएगी, मतलब इसकी क्षमता तीन है। ये देखिए टोटल वर्क निकल गया, हमारे पास जो कुल काम है वो तीस है। क्षमता कैसे निकालेंगे, वर्किंग डेज से कुल काम में भाग दे दो तो तीन क्षमता इसकी आ गई और ए प्लस बी की जो क्षमता आ गई वो कितनी आ गई, पाँच आ गई। ए के अकेले की क्षमता कितनी है, ए के अकेले की क्षमता तीन है, ए और बी की पाँच है, मतलब कि बी की पाँच, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, पाँच माइनस तीन, मतलब बी की क्षमता जो हो जाएगी दो हो जाएगी। अच्छा, इन दोनों की क्षमताओं का अनुपात निकाल लीजिए, ए और बी की क्षमताओं का अनुपात ये आ जाएगा तीन अनुपाते दो, और जिस क्षमता से उन्होंने काम किया है उसी क्षमता के साथ उनकी मजदूरी का बंटवारा किया जाना है ना। तो भाई पचास रुपए बांटना है तीन अनुपाते दो के अनुपात में, तो भाई ये ए का हिस्सा है पचास, कितनी इसकी क्षमता, तीन बटे दोनों को जोड़ लिया जाता है ना, भाई इसका हिस्सा तीन बन रहा है, तीन बन रहा है और उसका कितना बन रहा है, दो बन रहा है, पाँच काट देंगे तो ये आ जाएगा दस, ए का हिस्सा आ जाएगा तीस, और अगर हमें बी का हिस्सा निकालना है इस पचास रुपये में तो वो आ जाएगा दो बटा पाँच, काट देंगे दस, यानी कि दस दूनी कितना आ जाएगा बीस, है ना, बीस आ जाएगा। अच्छा, तो पंद्रह में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना, बीस रुपया होगी उस बच्चे का हिस्सा पचास रुपए में। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 6, 8 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। ए बी सी 6, 8 और 12, हम क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम लिख के टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो टोटल वर्क इनका बन जाएगा 24, 6, 8 और 12 का जो लाशा आएगा वो कितना आएगा, 24 आएगा। बस क्षमता निकाल लीजिए इनकी, 6 चौक 24, 8 त्रिक 24, 12 दूनी 24, यानी कि ए बी और सी की जो क्षमताओं का अनुपात हो जाएगा वो 4:3:2 हो जाएगा। तो कह रहा है कि 1350 रुपया प्राप्त होते हैं, तो ए और बी द्वारा प्राप्त राशि में अंतर ज्ञात करो। तो पहले ए का हिस्सा निकाल लीजिए, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा इस 1350 में, यह है ए की क्षमता, क्षमता के अनुसार बंटवारा होगा, 4 बटे टोटल, देखो 4 × 3 = 7 = 9 = 9 कितना बचा हमारे पास यहां पे, 9 × 4 = 13 + 9 = 45 = 19, है ना, कितना हो गया भैया, 19 तो हो गया, 5 आएगा ना, एक मिनट, 5 आएगा, सॉरी 5 बच जाएगा, 9 × 9 = 45 होता है ना, 45 150, 15 × 4 = 60, ए का हिस्सा हो गया 600 रुपया। बी का देख लेते हैं, हमें बी का निकालना है, बी भाई 1350 में 3 और बटे 9 हो जाएगा, इसे भी काटेंगे 150 आ जाएगा और 15 × 3 = 45 450 रुपया हो जाएंगे। दोनों का अंतर निकालना है, ए माइनस बी, है ना, 600 - 450 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 250 रुपया, है ना, कितना आ जाएगा, 200 रुपये ये अंतर आ जाएगा, है ना, और घटाएंगे तो 0 और ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 5 में 4 जाएंगे, 150 रुपये आएगा, कितना आ जाएगा, 150 रुपया आएगा अंतर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 16 में बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17, देखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन 17। कह रहा है 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में, 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 992 रुपए हो जाती है। अच्छा, यहां पे हमें दर नहीं पता,
दर को मान लो आप आर, ठीक है, कितना हो रही है 920 रुपया बन जाती है। तो 920 पहले 800 घटा दो, एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एसआई जो हो जाएगी साधारण ब्याज हो जाएगा कितना, मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 920 माइनस 8 120 हो गया। फिर कितना है मूलधन हमारा 800 रुपया इंटू रेट है आर, समय कितना है 3 बटे कितना हो गया 100, काट दीजिए कट गया, ठीक है। 8 + 24 = 24 × 5 = 110 = 120 है ना, 120 बराबर कितना आ गया ये 24 आर, आर बराबर कितना आ गया 5%। अच्छा क्रय यदि दर 3% बढ़ा दी जाती है ना, दर क्या कर रहा है 3% बढ़ा दे रहा है ना, बढ़ा दो, बढ़ी हुई दर कितनी हो गई भाई, वो कितनी हो गई मान लो कैपिटल आर, 5 + 3 यानी कि बढ़ी हुई दर जो हो गई वो 8% हो गई। तो कह रहा है समान अवधि में वह राशि कितना हो जाएगी, समय समान अवधि में कितनी हो जाएगी ये बताना है हमको। चलिए अब इसका पहले आप एसआई निकालिए, वही समान अवधि आप मान लीजिए कि इसकी समान अवधि जो है वो टी है ना, ठीक है, देखते हैं कितनी हो जाएगी भाई, करते हैं। अच्छा यदि 10% हो जाती तो समान अवधि, समान अवधि मतलब 3 वर्ष में है ना, देखते हैं तो कितना हो जाएगा भैया, ये तो 800 रहेगा और ये कितना हो जाएगा 8% हो जाएगा, उसके बाद 8% और समय के बाद कितनी अवधि में है ना, हम मान लेते हैं टी बटे कितना हो जाएगा भाई, कितनी अवधि में वह समान अवधि, अवधि का मान भी तो दिया है, अवधि हमारी कितनी सेम अवधि, 3 साल का हिसाब करना है, 3 साल काट दीजिए, 64 हो गया, 8 × 64 64 × 3 12 × 2 = 192 है ना, तो 192 तो साधारण ब्याज हो गया मूलधन। भाई हमसे कह रहा है कि वो राशि कितना बन जाएगी, तो जो वो राशि होगी ना हमारा मतलब मिश्र धन पूछा है, तो राशि कितनी हो जाएगी मूलधन पर प्लस ब्याज, यानी कि 800 + 192 यानी कि 892 रुपया। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। 18 तेरा एक धन राशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 16/25 है, वह अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर अवधि के वर्ष एक समान हो। कोई बात नहीं, हम धनराशि मान लेते हैं, आप एक काम करेंगे आप धनराशि मान लेंगे, धनराशि मान लो P। अच्छा तो कह रहा है जो साधारण ब्याज है उसका 16/25 गुना है, मतलब कि अगर हम इस P का 16/25 गुना कर दें तो ये साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, मूलधन यानी कि पी गुणे दर। अच्छा कह रहा है कि अवधि कितनी होगी जिसमें ब्याज की दर और अवधि के वर्ष दोनों एक समान है, ब्याज की दर जितनी है उतनी अवधि का वर्ष है, यानी कि आर बराबर कितना है टी है, दोनों सेम है, ठीक है, तो पी आर टी होता है, तो पी की जगह आर की जगह पर भी टी रख दो, टी की जगह पर टी है ही है, बटे कितना 100, पी से पी काट दो, दोनों तरफ ले लीजिए वर्गमूल, वर्गमूल लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, और देखो इधर टी स्क्वायर से एक टी निकल के आ जाएगा और इधर ये 10 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो t = आ जाएगा 8 वर्ष, कितना आ जाएगा 8 वर्ष, यानी कि 18 में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 एक अच्छा प्रश्न है, क्या कि ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जिसमें ए प्लस बी और ए बी दोनों डिफाइन हैं। अच्छा भाई ए अगर ए का जो ऑर्डर है वो कितना है m क्रॉस n है, यानी कि m पंक्तियां हैं n स्तंभ हैं, प्लस बी का जो ऑर्डर है वो p क्रॉस q है। देखिए अगर ये दोनों a प्लस बी पॉसिबल है इसका मतलब क्या है कि पंक्तियों की सम ए में जितनी पंक्तियां हैं उतनी बी में पंक्तियां हैं तभी तो जुड़ेगा, और जितने स्तंभ ए में हैं उतने स्तंभ किस में हैं क्यू में हैं। कहने का मतलब यह है कि एम बराबर पी होना चाहिए और क्या होना चाहिए एन बराबर
क्यों होना चाहिए, मतलब पंक्तियों की संख्या दोनों में समान हो और स्तंभों की संख्या दोनों में समान हो, तब क्या होगा, ए प्लस बी पॉसिबल होगा। दूसरी कंडीशन वो कह रहा है कि अगर एम क्रॉस एन ये दिया है, है ना, एम क्रॉस एन का ये दिया गया है, और उसके बाद दूसरा दिया है बी, यानी कि बी इंटू में इसके साथ इंटू करना है, और बी दिया है हमारा पी क्रॉस क्यू। अब देखिए कह रहा है कि ए इंटू बी, यानी कि ए बी पॉसिबल है, अगर ए बी पॉसिबल है ना, तो ये बराबर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, मतलब पहले वाले में स्तंभों की संख्या नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी ही दो, तब ही हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर पाएंगे, ए बी निकाल पाएंगे। यानी कि यहां पे क्या होना चाहिए, ए इंटू बी अगर डिफाइंड है तो एन बराबर क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए। अच्छा अब देखिए एम बराबर किसके है, ऊपर से उठाइए, एम बराबर पी है, पी किसके बराबर है, एन के, और एन किसके बराबर है, क्यू के। कहने का मतलब यह है कि एम एन पी क्यू सब क्या हैं, बराबर हैं, सभी बराबर हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यह भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और सभी का ऑर्डर सेम हो गया, ये सभी आपस में बराबर हो गए ना, तो ऑर्डर भी सेम हो गया, है ना। हम ये कहेंगे कि ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि 19 में बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, ए दिया गया इतना, हमें निकालना क्या है, एंड ए स्क्वायर माइनस के ए माइनस 5i इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए हमें यह पता है कि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस एक्स आई जो होगी वो क्या होता है, 0 होता है। चलिए रख लेते हैं, डिटरमिनेंट को रख लेते हैं। अब देखिए a माइनस एक्स आई निकालेंगे, a जब रखेंगे, i क्या होता है भाई, 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो कितना हो जाएगा, डायगोनल में 1-1 होंगे, है ना। तो इन दोनों, यानी कि a माइनस एक्स आई जब निकालेंगे तो वो बन जाएगा हमारे पास कितना, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, ये वाला कितना आ जाएगा भाई, यही 3 बना रहेगा, 3, और ये कितना है, 3, रहने दीजिए, ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये होगा a माइनस एक्स आई इक्वल टू 0। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, करें मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और इंटू में आ जाएगा 4 माइनस एक्स, माइनस का 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और इक्वल टू में हो जाएगा 0, 1 से करो मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 4 माइनस एक्स, माइनस के एक्स का मल्टीप्लाई करो, माइनस का 4x प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 9 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 5 इक्वल टू 0। अब देखिए हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब कंपेयर कर दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे माइनस का के ए है, और यहाँ पे माइनस, अगर हम एक ही जगह पे एक्स रख दिया तो सेम बन जाएगा, है ना। तो अब कंपेयर कर देंगे तो के बराबर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए, एक्स का गुणांक 5, उधर क्या है भाई, ए का गुणांक 5, दोनों कंपेयर कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा, है ना। बी का मान 20 में सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21, एक बेहतरीन क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट इज इक्वल। अब देखिए कह रहा है कि कौन सा डिटर्मिनेंट इक्वल होगा, थोड़ी देर के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमको डिटर्मिनेंट दिया गया है ए एच जी एच बी जी जी एफ सी, देखिए यहां पे हम चाह रहे हैं जी है ना यहां पे, तो एक काम करो हम क्या करें, इंटरचेंज कर दें, पहली रो हम ए वाला ऑप्शन बनाना चाहते हैं, पहली रो और तीसरी रो आपस में इंटरचेंज कर दिए जाए, तो भाई एक माइनस निकल जाएगा, एक माइनस निकल जाएगा, और ये आ जाएगा ए, ये आ जाएगा, अरे इंटरचेंज हो रहे हैं ना दोनों, तो चेंज करेंगे, कर दो चेंज भाई, ये जी ऊपर पहुंच जाएगा, ये जी, ये एफ सी हो जाएगा, बीच वाले में कोई चेंज नहीं किया, बी एफ हो जाएगा, है ना, एच बी एफ हो जाएगा, और ये ऊपर वाला यहाँ आ जाएगा ए एच जी, लेकिन माइनस आ जाएगा, पहला वाला ऑप्शन हो सकता था अगर यहाँ माइनस दिया होता तो पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, दूसरा ऑप्शन देखते हैं, है ना, पहला ऑप्शन खत्म, दूसरा ऑप्शन ट्राई करो,
एच जी ए, एच जी ए, अब देखिए एच जी ए यहां पे है, एच जी ए, एच बी एफ, एच बी एफ, एच बी एफ का मतलब क्या हुआ भाई साहब, ये सिर्फ थोड़ी सी बात हमसे ये कर रहा है कि आपको यहां पे इंटरचेंज कर देना है, किसको किसको इंटरचेंज करना है, आपको कुछ नहीं करना, पंक्तियों को कॉलम में, कॉलम को पंक्तियों में बदल देना है। मतलब कि अब क्या करो, ये है ना, इसे रख दीजिए आप, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दीजिए, यह आ जाएगा ए एच, देखो पहली पंक्ति ए एच जी पहला स्तंभ बन गई, दूसरी पंक्ति एच बी एफ, तीसरी पंक्ति जी एफ सी। अच्छा अभी हम यहां देख रहे हैं कि एच बी एफ आ रहा है, एच बी एफ मतलब इन दोनों को इंटरचेंज किया जाए, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस दे देगा, बस हमको एक माइनस दे देगा, और एच बी एफ यहां आ जाएगा, ए एच जी यहां आ जाएगा, और जी एफ सी यहां आ जाएगा। अब फिर इसके बाद और देखो भाई, अच्छा एच यहां हो गया, अब इन दोनों को इंटरचेंज करो, सी टू सी थ्री को इंटरचेंज कर दीजिए, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा एच बी एफ, और ये आ जाएगा जी एफ सी यहां आ जाएगा, और ये ए एच जी आ जाएगा, इंटरचेंज हो गया। देखिए सेम आ गया, बी वाला ऑप्शन आ चुका है ना भाई, एक माइनस ये भी निकाला होगा तो वाले माइनस को प्लस कर देगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी, 21 में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, हमसे कह रहा है कि ये क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑड ऑर्डर का, तो एक ऑड ऑर्डर का क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लिया जाए। चलो लेते हैं ए इक्वल टू, देखिएगा यहां पे एक एलिमेंट ऐसे लेंगे भाई, मेन डायगोनल के एलिमेंट तो जीरो होते हैं, जीरो ले लो, फिर यहां पे एलिमेंट ले लीजिए, इसको वन ले लो, और ये टू ले लो, ये थ्री ले लो, ठीक है। अच्छा वन टू थ्री हो गया, एक मिनट ये वाला थोड़ा सा वहीं लिखा जाए जहां पे इसकी जगह है, तो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया। फिर क्या करते हैं नीचे भाई, ये वन है तो इसे माइनस का वन कर दो, ये टू है इसे माइनस का टू कर दो, ये थ्री है इसे माइनस का थ्री कर दो, हो गया। अब ये हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑड ऑर्डर कह रहा था, तीन क्रॉस तीन का हमने ले लिया है, अब देख लो ये है कि नहीं सच में। ए डैस निकालो, ए डैस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, पहली पंक्ति को पहला कॉलम बना दो जीरो वन टू, दूसरी पंक्ति को दूसरा कॉलम बना दो, तीसरी पंक्ति को तीसरा कॉलम बना दो, बना दिया, और सिर्फ माइनस ले लो कॉमन, माइनस लेंगे कॉमन तो कितना आ जाएगा, ये जीरो वन टू, और ये आ जाएगा माइनस का वन, और ये जीरो आ जाएगा, ये थ्री आ जाएगा, ये माइनस का टू माइनस का थ्री, और ये जीरो आ जाएगा। कुल मिला के ये फिर से आ चुका है ए। अब हम देख रहे हैं कि ए डैस बराबर माइनस ए आ रहा है, ए डैस बराबर माइनस ए आता है, इसका मतलब क्या है, ये एक क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, एक विषम सममित आव्यूह है। अच्छा ये विषम सममित आव्यूह है तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, जीरो आ जाएगा, है ना, कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्यों सारे एलिमेंट तो जीरो है ना इसके डायगनल के, तो क्या जाएगा इसके डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, यानी कि किसी भी ऑड ऑर्डर के, किसी भी ऑर्डर ऑड ऑर्डर के क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। 23 में ए और बी हमको दोनों दिया है, ए चुपचाप रखा है, बी के बारे में थोड़ी सी बातचीत चालू है। देखिएगा बी, ये बी जो रखा है ना, बी इक्वल टू हमको दिया गया है कितना, एल एम एन, ए बी सी डी ई एफ। अब देखिएगा हमें क्या करना, हम यहां देख रहे हैं कि जो हमें ए के साथ इसका कैलकुलेशन करना है, यहां ए बी सी है, यहां डी ई एफ है, मतलब ये कॉलम में रखे गए हैं, ये रो में रखे गए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि बदल लिया जाए, कॉलम को रो में बदल दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, किसी मैट्रिक्स के अगर सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो शारीरिक के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली रो को पहला कॉलम बना दीजिए एल एम एन, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दीजिए, तीसरी रो को
तीसरा कॉलम बना दीजिए, बना दिया। अब यहां देखा जाए, अब हम देख रहे हैं बी तो हमने मेंटेन किया, यहां पे एबीसी आ रहा है। चलो एबीसी को इधर ले आओ, ले आया हमने, माइनस को ले लो कॉमन, सी वन और सी टू को इंटरचेंज कर दीजिए, ए बी सी, दूसरा कॉलम पहला कॉलम दूसरा कॉलम चेंज कर रहे हैं, माइनस निकाल दिया हमने बाहर, एल एम एन, और यहां पे है डी, ये है ई और ये है एफ। अच्छा अभी देखो ये डी यहां आ रहा है, फिर से इंटरचेंज करो, फिर से इंटरचेंज करेंगे, ए हमें लाना है ना, एकदम चाह रहे हैं कि ए बनी जाए, तो ये ए ये बी ये सी अपनी जगह पे हैं, ये दोनों इंटरचेंज हुए, तो देखो ये माइनस है, एक माइनस और निकलेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा डी ई एफ, और ये एल एम एन हो जाएगा, और ये सेम पूरा देख रहे हैं आप, ये बन रहा है हमारा ए, बी था बी बराबर, ये क्या हो गया, इसकी जगह पे हम ए रख सकते हैं, उधर क्या बी इधर उठा लो, यानी कि इसको उधर ले जाएंगे, ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, कुछ नहीं किया हमने, बी को कन्वर्ट करने की कोशिश की, और लास्टली उसने क्या किया, हमने ए बना लिया, है ना, ए बन गया, तो ए माइनस बी, ए को उधर ले गया, ए माइनस बी बराबर कितना आ गया, जीरो, है ना। 23 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन, कह रहा फाइंड अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। एक काम बताएं आपको, कि जब भी हमारे पास अगर n क्रॉस n ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स दिया जाए, है ना, कोई मैट्रिक्स दे दिया जाए किस किस ऑर्डर का, n क्रॉस n ऑर्डर का, और हमसे वैल्यू पूछ ली जाए क्या के ए, तो ये बराबर होता है k की पावर में n डिटरमिनेंट ऑफ a के बराबर होता है। जैसे यहां पे जो ऑर्डर दिया गया वो कितना दिया गया है, 2x2, और एक बात दी गई है कि डिटरमिनेंट ए जो है वो कितना है, 3। हमसे वैल्यू पूछा है उसने किसकी, डिटरमिनेंट ऑफ 5a, इसका मतलब क्या हो गया, 5 की पावर 2 हो जाएगा, है ऑर्डर कितना है, जितना ऑर्डर वो पावर में आ जाता है, और इतना डिटरमिनेंट ए कितना आ जाएगा भैया, 25 गुणे डिटरमिनेंट ए कितना है, 3, 25 तिया कितना हो जाएगा, 75। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 का डी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 एक छोटा सा प्रश्न है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। देखिएगा अगर हम इसमें क्या करें, R1 टेंस 2 कर दें, कितना R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब पहली पंक्ति में सभी पंक्तियों को जोड़ के रख दें, रखा जाए, रखेंगे तो देखो A कॉमन लेंगे, A यानी कि 1 आ जाएगा, प्लस दूसरा वाला एलिमेंट जुड़ेगा उसी के साथ ओमेगा, फिर ओमेगा स्क्वायर, तीसरे में देखिए बी कॉमन लेंगे, ये भी आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और तीसरी में भी देखेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये एलिमेंट हमारा बी ओमेगा, ये बी ओमेगा स्क्वायर, और ये सी, अच्छा, और ये ए ओमेगा स्क्वायर, ये बी और ये सी ओमेगा। अब इन सब की जगह पे आप रख दीजिए 0 0 0 0, ये आ जाएगा बी ओमेगा स्क्वायर, और ये सी, ये ए ओमेगा स्क्वायर, ये बी और ये सी ओमेगा। और किसी भी सारणिक का अगर कोई एक स्तंभ या कोई एक पंक्ति कोई भी जीरो हो जाए, चाहे तो एक रो जीरो हो जाए, चाहे कोई एक कॉलम जीरो हो जाए, उसकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, जीरो होती है, उसके पूरे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी फॉर डॉट 25 का डी सही होगा। चलिए आज हम लोगों ने डिस्कस किया 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 26 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को। चलिएगा, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, प्यार और आभार और आशीर्वाद अपना बनाए रखें, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।